हेलो गाइस, मैं हूं विशाल एंड वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीम मैकेनिकल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बनने वाला है पल्सर 150 की इंजन पे, जिसका हम लोग इंजन का रिबिल्ड कर रहे हैं, जिसमें क्लच साइड की मतलब चैम्बर लगाने से पहले आपको बता देने जा रहे हैं कि क्लच साइड की जो सेटिंग होती है वो किस तरीके से लगती है। और बहुत से मैकेनिक को प्रॉब्लम होती है कि क्लच साइड की टाइमिंग को कैसे फिट करें, कैसे मतलब कि सही टाइमिंग उस पर प्रॉपर तरीके से काम करें। तो बहुत मिस्त्रियों को ये नहीं आता है। तो आज उसी विषय में आपको पल्सर 150 की क्लच साइड की जो टाइमिंग होती है उसको सेट करने के लिए बताएंगे। तो हमारे साथ है टीम मेंबर हमारे अरुण भैया, और उन्हीं के साथ ही हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो क्लच की टाइमिंग को फिट करेंगे और वीडियो हम बनाएंगे। तो आपको ये पूरी जानकारी आज पल्सर 150 की इंजन की क्लच साइड की टाइमिंग के बारे में मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको गाड़ी में आती है तो हमसे संपर्क करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के सामने कि पल्सर 150 के इंजन खुली हुई है, जिसे रिबिल्ड कर रहे हैं हम सभी मिलकर। और ये देखिए, ये है बॉडी बैलेंस है, जिसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको इसके बारे में जाननी है तो आप कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बॉडी बैलेंसर के बगल में एक ये बैलेंसर है, लोहा का बैलेंसर। उसको मूव करने पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर में एक निशान बना हुआ है तीर के जैसा। आप कभी भी इसको मूव करें, जब इसकी टाइमिंग सेट करें तो इसके कंप्लीट एकदम पैरलर होनी चाहिए। और दूसरा टाइमिंग यहाँ पर देखिए, टाइमिंग चेन का जो पिनियन लगा हुआ है उसके कंप्लीट सीधा में एक पैरलर, इस पर एक छोटा सा निशान बना हुआ है, उसके पैरलर पे होना चाहिए। और ये टाइमिंग शो करती है ऊपर में, जब आपको ए टू यू लिखा हुआ है तो ये टाइमिंग ऊपर में होनी चाहिए कम्प्लीटली, एकदम सीधा सीधा। अब इसके हाउजिंग को लगाते हैं और आपको इसके टाइमिंग को प्रॉपर सेट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे कि क्लच साइड की जो हाउजिंग होती है जो इस चैम्बर में लगती है साइड में, तो ये लग चुकी है और ये देखिए प्रॉपरली काम कर रही है। आपको दिखाता है कि कहाँ कहाँ टाइमिंग सेट की जाती है। जब आप बैलेंसर की इस साइड से मूव करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी जो टाइमिंग थी, बताए थे आपको, वो बिल्कुल पैरलर होने चाहिए। इसके चैम्बर में एक निशान बनी है उसके अंडर पे, देखिए पैरलर दिख रही है वाइट कलर की, उसके अंदर चैम्बर में एकदम इसके पैरलर होने चाहिए। सेकेंड टाइमिंग होती है टाइमिंग चेन की, जो ऊपर से इस पर टाइमिंग चेन की जो पिनियन लगी हुई है और चैम्बर पर जो निशान लगा उसके पैरलर होने चाहिए। और थर्ड नंबर में ये जो लिखा हुआ टॉप लेवल की इसके जो चक्री है वो भी पैरलर एकदम इसके सेम टू सेम होनी चाहिए, तब जाके आपका क्लच साइड का पूरा टाइमिंग है वो प्रॉपर सेट हो पाएगा और आपकी क्लच साइड की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर सेट होकर वर्क करेगी। तो अब बारी है क्लच प्लेटों को सेट करने की। वो प्रक्रिया पूरी आपको वीडियो में बता चुका हूँ मैं, पहले भी वीडियो आ चुका है इसके बारे में, तो कम्प्लीट आप जाके वीडियो में देख सकते हो। तो यही हमको बताना था कि क्लच साइड की टाइमिंग कैसे सेट करनी चाहिए, क्या तरीका होता है सेट करने का। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी इस बारे में जान चुके होंगे। और भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको कोई गाड़ी में तो वीडियो संपर्क करें हमारे चैनल में और कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह के कोई इंजन से संबंधित जानकारी को लेकर। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।